सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मैंने तुमसे शादी कर कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। चले जाइए उस लड़की के पास, मैं अब इस से घुट घुट के नहीं जी सकती। और जो मेरे सामने जबान चलाई तो गोली दोनों को मारी गई। तुम एक काम करो, सारे घर से छपाई इकट्ठे करो। तुमने उन्हें बताया नहीं कि इस वक्त दोनों पेशेंट्स आईसीयू में। पेशेंट की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वाकई फहीम बहुत बुरा इंसान। तो तुम्हें गजल से इतनी हमदर्दी क्यों है? जनाब आप मुझ पे शक कर रहे हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते। सही, आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। कितनी रातें जाग जाग के मैंने आपके इंतजार में गुजार दी, और मुझे क्या मिला बदले में? आपका ये तल्ख रवैया। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मेरे मामलात में मदाखलत मत किया करो, मेरी बात समझ में नहीं आती। तीन साल से सिर्फ मैं ही तो समझती और बर्दाश्त करती आ रही हूँ सब कुछ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बर्दाश्त करती आ रही हो तुम? हाँ, कौन से मैंने तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए? गिनती के चंद ही दिन होंगे जिसे मुझे ये एहसास हुआ होगा कि मैं आपकी बीवी हूँ, और मैं एक ज़हनी कल्प में रहती हूँ। एक गैर लड़की की खातिर आपने अपनी बीवी को इग्नोर कर दिया। फुटबॉल से गदर हर बार इस बात को बीच में क्यों लेके आ जाती हो? मैं नहीं, आप बीच में लाते हैं। चुनो गजल, मैंने तुमसे शादी कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझ पर शक करती रहती हो। अरे मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी, पागल हो गया था मैं, समझ ना सका कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। ठीक है, तो सुधार लीजिए अपनी इस गलती को। रोका किसने है? चले जाइए उस लड़की के पास, मैं अब इस तरह से घुट घुट के नहीं जी सकती। फहीम, आपको आज एक फैसला करना होगा, आपको वो लड़की ज्यादा अजीज है या फिर आपकी बीवी। ठीक है, तो कर लिया मैंने फैसला, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। क्या क्या मतलब क्या इस बात का फहीम? कहना क्या चाह रहे हैं? तीन साल हो गए तुम्हें बर्दाश्त करते हुए, कर अब और नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। प्लीज ये मत कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज मैं मर जाऊंगी, मुझ पे रहम खाइए। मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज ये मत कीजिएगा। तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जश्न मक्तल ही न बर्पा हुआ वरना हम भी, बाबजोला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था के न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। क्या बात है, चेक मिल गया ना? अब क्यों कॉल कर रही हो मुझे? वो चेक बाउंस हो गया। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। कोई एक हक तो अदा कर दो अपना फहीम। देखो बातें मुझसे मत किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुंह बंद कर दोगे? वो मेरे महर के पैसे हैं जो मुझे कल ही चाहिए। कहीं भागे नहीं जा रहे तुम्हारे हक महर के पैसे? और वो घर और जेवरात तो तुम्हें मिल गए ना? फिर भी तुम्हारी लालच खत्म नहीं हुई है, और तुमने वैसे भी पैसों की लालच के लिए मुझसे शादी की थी। आफरीन है तुम पे फहीम। एनीवे
कुछ दिन पहले अकाउंट में पैसे नहीं थे, अब आ गए, जाकर निकाल लो। ऐसा हो तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे घर आने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? जो चाहे समझना हो समझ लो, आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझ आई? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन साथ में शिर्क करते हैं। औरत मोहब्बत होती है, अपने दिल में सिर्फ एक ही खुदा को बचाए रखती है जिसे सारी जिंदगी पूछती है वो। देखो फसल, इस वक्त तुम मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दूंगा, अंडरस्टैंड? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी होती है, मर्द को कमानी पड़ती है, जो कि एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आई, इसलिए तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर होगा। लड़की से एंजॉय कर रही है, अकेले घर में रहती है ना। हाँ, शोहर ने तो छोड़ दिया, अब उसके पैसे और घर पे यशी है। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है, तू रख लेना ख्याल। क्या बकवास कर रहे तुम दोनों? हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। अरे मैडम जी, हमने ऐसा क्या कह दिया, सच ही तो कहा है, अगर झूठ लगे तो ये लो निशाना, मान लो थप्पड़। ये हरकतें अपनी माँ बहन के साथ करोगे ना तो ज्यादा अच्छे लगोगे। आइंदा के बाद मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? सर कंडीशन ठीक नहीं है, एक हाथ उनके स्तन पे और दूसरी के हाथ पे गोली लगी है, एंकल जॉइंट में भी फ्रैक्चर है। ओहो, इट मींस कि कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इन दोनों खवातीन को हॉस्पिटल कौन लेकर आया? सर तकरीबन आधे घंटे पहले ये वाकया हुआ है, दोनों लेडीज का खून बहुत बह चुका था, ब्लीडिंग तो हमने रोक दी, अब बस ऑपरेशन स्टार्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी झगड़े के बाद इन दोनों खवातीन पर फायरिंग की गई। डॉक्टर लाइबा, इंसानियत अभी मरी नहीं, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इमीडिएटली दोनों पेशेंट्स को ओटी में शिफ्ट करें, मैं सर्जन्स को फोन। ओके डॉक्टर। क्या कह रहे थे? सर मेरा भाई उन दोनों को एम्बुलेंस में लेके गया था। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने फायरिंग करने वाले लोग नहीं देखा कि वो कितने लोग थे? सर फायरिंग की आवाज़ सुन के जब हम यहाँ पहुँचे वो लोग भाग चुके थे। अच्छा, बता सकते हैं कि इस वारदात को कितना टाइम हो गया है? सर बस कुछ देर पहले। देखें, मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको वारदात के हवाले से कोई भी मालूम है या कुछ भी जानते हैं हमसे शेयर करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को मुकम्मल तहफ़ दिया जाएगा, बिला वजह परेशानी किया जाएगा। देखिए सर, हमें जो मालूम था हमने सब कुछ आपको बता दिया, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, हमने ये भी इंसानियत के तहत किया। तो भी रहा है क्या? सर डकैती करने वाले मुझे पेशावर लगते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर दोनों लड़कियों को कंफर्म गोली मारी गई है। सर घर में जबरदस्ती दाखिल होने में कोई शवाहिद भी नहीं मिले। गोली दोनों को मारी गई है क्योंकि खून दोनों जगहों पर मौजूद है। हो सकता है सर खातून ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की हो। तुम एक काम करो, सारे घर से शवाहिद इकट्ठे करो और फौरन हॉस्पिटल जाओ, वहां जाकर दोनों खवातीन का बयान लो, क्योंकि उनके बयान के बाद ही
सही सूरतल सामने आएगी। ठीक है सर। शादी का तीसरा दिन फहीम से शादी मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐ मेरी गुले जमी, तुझे चाहती एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। फहीम, आपको भी शायरी पहले से पसंद थी? नहीं, से मिलने के बाद शायरी से मोहब्बत हो गई। अच्छा, और अगर मैं आपको ना मिलती तो? मेरी रूह की गिज़ा है तेरी गुफ्तगू, तुम छीन नहीं सकती मुझसे रिस्क मेरा। वाह, बाय द वे इसका मतलब क्या है? मतलब तो पता नहीं, बस एक जगह पढ़ा था, अभी याद आ गया तो कह दिया। फहीम, आपने ये शेर मेरे लिए किया ना? अरे यार, मुझे खुद भी रफ रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, खाना तो खाएं, आप तो बस मोबाइल में लगे हुए, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। बस एक ऑफिस की मीटिंग है, उसका टाइम देख रहा था कि कितने बजे। जी सर, छोड़ के दो खवातीन हमारे होटल आई गई हैं। मुझे इन दोनों के बारे में कुछ मालूमात करनी थी आपसे। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं दोनों के? सर, एक खातून के बाएं हाथ पे गोली लगी, जबकि एक खातून के दिल के पास गोली लगी और जख्म भी काफी है। हमें उन दोनों का बयान लेना है। सर, उन्हें ऑपरेशन के बाद ICU शिफ्ट कर दिया गया है, ये तो पॉसिबल नहीं है। कितनी देर तक रखेंगे ICU में? सर, इस बारे में तो आपको डॉक्टर फैसल भी बता सकेंगे। ठीक है, जाइए और उनको बताइए कि पुलिस वाले आए हैं, दोनों खवातीन का बयान लेना। शादी का तीसरा हफ्ता, आज उन्होंने मुझसे पहली बार झगड़ा किया। मैं बहुत उदास हूं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, दिल नहीं लग रहा। शादी का चौथा महीना था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फहीम किसी और लड़की में दिलचस्पी लेंगे। ये दिलकश कौन है? बड़ी फिक्र रहती है उसे आपकी। तुमने मेरे मैसेजेस क्यों पढ़े? तो अच्छा ही है ना, पढ़ लिया मैंने, एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी फिक्र है। वैसे और कितनी लड़कियां? तुम्हारी ये शक करने की आदत कब से हो गई? कोलीग्स है मेरी, अक्सर इनसे बातचीत चलती रहती है। अगर सिर्फ बातचीत होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती फहीम, लेकिन ऑफिस के बाद मिलने की बातें, इसी वजह से आप घर देर से आते ना। तुम औरतों का कुछ नहीं किया जा सकता, अगर कोई मेरी दोस्त है तो इस पे तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम बीवी हो, बीवी बनकर रहो। बीवी कैसे बनते फहीम, बताइए ना मुझे। शोहरों का इंतजार करके, शोहरों की गुलाम बनके, या फिर शोहरों के अयाशियों पे पर्दा डाल के? ननक, रुकियोगे फहीम, ये कसर भी पूरी कर लीजिए।
शादी के 2 साल बाद मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की थी, उसने कमाल कर दिया। मैं फहीम से हर बार झगड़ती और खुद ही उसको मनाती थी, बीवी जो ठहरी। अरे फहीम आ गए आप? चले आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं रेडी हूँ, बाहर जा रहे हैं। मैं खाना खाकर आया। लेकिन फहीम मैंने आज बाहर का प्रोग्राम बनाया था, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा था तुमसे प्रोग्राम बनाने को, खा लेती खाना। मेरी ही गलती है, मैं ही आपकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही हूँ। पता नहीं क्या सोच के शादी की मैंने आपसे। बहुत बहुत मलाल हो रहा है ना तुम्हें तुम्हारी इस गलती पे। कहो तो तुम्हारी गलती सुधार दूं अभी मैं। हाँ क्या क्या मतलब है इस बात का? देखो खतर, चुपचाप इज्जत से घर में बैठी भी हो तो बैठी रहो, वरना तो मिनट नहीं लगे मुझे तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाने में। अरे तंग आ गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी दोस्त की चिक चिक से। Excuse me, sir. Sir, please आइए। जो दो खवातीन एडमिट हैं उनका बयान कॉल करना है। तुमने उन्हें बताया नहीं कि इस वक्त दोनों पेशेंट्स आईसीयू में? सर मैंने उन्हें बताया था पर वो कह रहे हैं कब होश में आएंगी, कि उन्होंने तकलीफ शुरू करना है। उनसे कह दीजिए कि पेशेंट्स इस वक्त होश में नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी सर, ठीक है। सर ये वो रिपोर्ट है जो अस्पताल इंतजामिया ने दी, जिनमें दोनों खवातीन की इंजरी की डिटेल है और एनी शाहिदीन का बयान है। इसके अलावा सर मोहल्ले या गली में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा जिसकी वजह से कोई सबूत मिल सके और कोई कॉल रिकॉर्ड भी ना मिल सका। और सर डकैत मोबाइल भी अपने साथ ले गए। अच्छा उन दोनों खवातीन से बात हुई थी? नहीं सर, दोनों खवातीन बेहोश थी, रात तक होश आएगा तो सुबह ही बात होगी। वैसे मैंने एक अलकार छोड़ दिया हुआ उनकी निगरानी के लिए। गुड। सर जमशेद नामी एक बंदा आया है, आपसे मिलना चाहता है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में जो डकैती हुई थी उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, भेजो उसे। यस सर। सर ये शख्स क्या बताना चाहता होगा? यहाँ तो इस तरह के लोग आते रहते हैं, हमने सबको मुँह देना होता है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे जी। कहाँ रहते हैं और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जमशेद अली है और मैं गज़ल के बराबर वाले मकान में रहता। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि गज़ल के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी सेम इसी तरह की गाड़ी फहीम की भी है। क्या कल पुलिस तफ्तीश के लिए आई थी तो उस वक्त कहाँ थे आप, और तब आपने क्यों नहीं बताया? सर मैं सुबह ऑफिस चला गया था, जब शाम को मैं घर आया हूँ तो बीवी ने सारा माजरा बयान किया था। तो कल शाम में आकर बता सकते थे? देखिए जी मेरी बीवी परेशान हो गई थी कि पुलिस वाले मुझे ना फंसा दें, लेकिन मैं फिर भी जिद करके यहाँ आ गया। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें गज़ल के बारे में इतनी मालूमात कैसे है? गज़ल की और मेरी बीवी की बहुत अच्छी बातचीत थी। फहीम ने 8 महीने पहले गज़ल को तलाक दे दी थी, अक्सर व बेशतर दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थी और गज़ल ने उससे हक महर का मुतालबा भी कर रखा था। और कुछ मालूम है तुम्हें? सर जो कुछ मालूम था मैंने सब बता दिया, लेकिन वाकई फहीम बहुत बुरा इंसान। इसीलिए तुम उसके खिलाफ इतनी बातें कर रहे हो? देखें जनाब मैं जो कुछ कह रहा हूँ सिर्फ गज़ल की हमदर्दी में आपको बता रहा हूँ। तो तुम्हें गज़ल से इतनी हमदर्दी क्यों है? जनाब आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं बीवी बच्चों वाला इंसान हूँ। ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन गज़ल बीवी के बंगले के इर्द गिर्द कोई भी गैर मामूली हरकत देखो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा तुम्हें फहीम का घर पता है? जी मुझे पता है।
परेशान ना हो, खुश नहीं हूँ आपको, लेकिन आपके दोस्त अभी तक भी खुश हैं। दोस्त? कौन सी दोस्त? मैं यहाँ कैसे आई? देखिए, आपको और आपके दोस्त को गोली लगी थी और वो भी अब इसी हॉस्पिटल में है। क्या गोली? मुझे गोली लगी है? किसने मारी गोली? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। देखिए, गोली किसने मारी, क्या हुआ, ये फिलहाल अभी पुलिस को भी नहीं मालूम हो सका है, लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। पुलिस? हाँ, अच्छा ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? अरे अरे, हाँ परेशान ना हो, लेट्स गो जैन। ये बताएं, आपको किसी का नंबर याद है? नंबर ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या मेरी टांग जाया हो गई? मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं मर क्यों नहीं गई? देखिए, आपके पाँव में छोटा सा फ्रैक्चर आया था, डॉक्टर ने बैंडेज कर दिए। हाँ, आपके हाथ में गोली लगी थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और चल फिर भी सकती हैं। हाँ, परेशान ना हो, चलो मैं डॉक्टर्स को बुला के लेके आती हूँ, ठीक है? आप रिलैक्स करें। फहीम सर तो 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। कुछ मालूम है कहाँ गया होगा वो? वो शिकार पर गए हुए। शिकार? शिकार पे कहाँ गए? कुछ मालूम है कब तक आ जाएगा वो? शायद वो अंदरूनी सिंध गए हैं, लेकिन ये बात तो नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि वो कब तक वापस आएंगे। आपके पास कोई इसका नंबर वगैरह है? जी, नंबर उनके पास एक नंबर है, और वो नंबर ये है। ठीक है, वो जैसी ऑफिस ज्वाइन करें तो मुझे इस नंबर पे इत्तला कर दें। ठीक, ओके सर। और हाँ, आपके ऑफिस में कोई दिलकश नामी लड़की काम करती है? दिलकश? नहीं सर। ठीक है, चलो। हाँ, कितने अर्से से काम कर रही हो वहाँ पर? साहब, 2 साल हो गए। जिस वक्त डकैती उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं घर पर थी, मुझे देर हो गई थी। क्यों देर हो गई थी? अम्मा बीमार थी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गई थी? किसे? अम्मा को अपनी। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। अच्छा ये बताओ कि गज़ल बीबी और फहीम के दरमियान रिश्ता कैसा था? साहब बहुत बुरा। गज़ल बीबी बहुत अच्छी खातून थी, मगर साहब आए दिन झगड़ा करते थे। एक रोज़ तो वसल के सिलसिले तो क्या, हिजर के सिलसिले हैं बेमायने। कोई रिश्ता ही नहीं जब किसी से, तो दिल के सारे गिले हैं बेमायने। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। वसल के सिलसिले तो क्या, हिजर के सिलसिले हैं बेमायने। कोई रिश्ता ही नहीं जब किसी से, तो दिल के सारे गिले हैं बेमायने। वाह 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 वाह, लगता है दिल जली है आप। इरशाद है, वो रुलाता है मुझे तो जी भर के रुलाए मुझे। वो रुलाता है मुझे तो जी भर के रुलाए मुझे। वो मेरी आंखें हैं, मैं उसे रुलाऊं कैसे। वाह 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 वाह। गजल, गजल क्या हरकत है ये? क्या हुआ फहीम, क्या बात है? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? तुमने दिलकश को कॉल क्यों की थी? फहीम, हम इस बारे में बातें बात करते हैं, प्लीज इस वक्त महफिल को खराब मत करो। अरे बाहर में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की महफिल, मुझे अभी जवाब चाहिए। फहीम प्लीज, इस वक्त तमाशा मत करो। तमाशा तुम बना रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें दिलकश को कॉल करने की? हाँ, और तुम जानती हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुमसे और दूर हो गया हूँ।
आपसे दूरी की तो आदत हो चुकी है मुझे। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के साथ रिश्ता रखे हुए। जो मेरे सामने जबान चलाई तो लीजिए अल्फाजी, महफिलों में रखा करो, मेरे सामने नहीं, अंडरस्टैंड? जाने दो सर। चुप रहो तुम। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तुमको अपने मामलात से अलहदा कर दूंगा, समझ आई? अच्छा तुमने फहीम की दूसरी बीवी, मेरा मतलब है उस लड़की दिलकश को देखा था? नहीं साहब जी, वो कभी उस लड़की को लाए नहीं थे। सर फहीम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। गुड। अब मैं जाऊं सर? हाँ ठीक है जाओ, मगर इस शहर से बाहर नहीं जाना। ठीक है सर। और हाँ, मेरी तरफ से अपनी अम्मा को पूछ लेना। ठीक है, खुदा ये क्या कर रही हैं आप? और ये ड्रिप क्यों निकाली? वो मुझे घबराहट हो रही है बहुत, मुझे बाहर जाना है। ठीक है आप चली जाइएगा, लेकिन अभी आप आराम करें वरना आपके हाथ के टांके खुल जाएंगे। नहीं करना मुझे आराम, मुझे बाहर जाने दें। अच्छा एक काम करें, ये टैबलेट है ये आप खा लें, इससे आपको आराम मिलेगा। मुझे मैं खा लूंगी टैबलेट, आप जाएं यहाँ से जाएं। अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन आप ये खा लीजिएगा। ठीक है? हाँ मैं खा लूंगी, आप जाएं। ऑफिसर, होश में आने के बाद उस लड़की की हरकतें कुछ तश्वीशनाक हैं। कल मैंने अकबर साहब को बताया था कि हो सकता है सर पर गहरी चोट का असर हो, मगर आज हमने कुछ मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाई जिसके मुताबिक उसकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? क्या वो जानबूझकर अनजान बन रही है? वो कोई ऐसी बात छुपा रही है या फिर पुलिस को गुमराह कर रही हो सकता है। आई पुलिस आपसे कुछ बात करना चाहती है। एक्सक्यूज मी, क्या गजल नाम की पेशेंट यहीं पे एडमिट है? आप कौन है? जी मेरा नाम फहीम है। अच्छा तो तुम हो फहीम, शहर में शिकार के बाद जंगल का शिकार कैसा रहा? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये लड़की कौन है जानते हो उसे? जी नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। मैं तो गजल को देखने आया हूँ जिनको गोली लगी है। आप गजल के हस्बैंड? हस्बैंड था,
बोलो कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, फारसी में नहीं। बहरी हो गई है? सच सच बता वरना हवालात में बंद कर दूंगा। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मुझे जाने दे यहाँ से। कहाँ जाएगी वो? मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? ऑफिसर ये वो नंबर है जिस पर कल रात इस लड़की ने किसी से चुपकर बात की। नंबर? कौन सा नंबर? मैंने किसी से बात नहीं की। मेरे तो पांव में इतना दर्द है, मैं तो अपने बेड से उठी तक नहीं हूँ। देखो जो बात है सच सच बता दो, अगर वादा माफ गवाह बन जाओगी तो तुम्हारी सजा में कमी हो जाएगी। अच्छा ये बता, तुमने डकैती फहीम के कहने पे की थी? वो मैं बोल। डॉक्टर फैसल, गजल को होश आ गया है। तुम लड़की पे नजर रखना, तुम यहीं ठहरो। मगर क्यों? तुमसे कह रहा हूं यहीं ठहरो। उस दिन मैं बैंक से घर की तरफ जा रही थी, शायद वो तीनों वहीं से मेरे पीछे लग गए थे। और जब मैं घर पहुंची तो आप ये मुझे प्लीज एड्रेस बताइएगा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। एड्रेस तो DHA का ही है, आई थिंक ये उस तरफ होगा। अंदर चल, मैं बताता हूँ कहाँ है ये एड्रेस। अंदर चल, लेके चल इसको। छोड़ दो लोग, अंदर चल, छोड़ दो लोग, क्या कर रहे हो? छोड़ दो लोग, छोड़, लेके चल अंदर से। छोड़ दो लोग, छोड़ मुझे, चुप हो जा। कहाँ रखे देवर? मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। हाँ तू अंदर जा, जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास। ऊपर कमरे में चल, ऊपर चल, चल मेरे साथ चल। जल्दी कर। कैश निकाल, कैश। देखिए आप लोगों को जो कुछ चाहिए सब ले जाइए, लेकिन प्लीज मुझे कुछ मत करना। ओ रोना बंद कर, मुझे शौक नहीं है तुझे रुलाने का। बैग में सामान डाल, जल्दी कर। इतना जल्दी कर, देर हो रही है, पीछे हट। चल चल चल, लेके चल इसे। टोमी कैच, हार निकल। इफ्रा जल्दी करो, हार निकल। मैं यहाँ नहीं, तो मेरे शौर की निशानी है। अरे वो और दे देगा, जल्दी दे। अरे छोड़, ऐसे नहीं मानेगी। अबे तोरा क्या कर रहा है टोमी? चल मुझे देख रहा है, निकल। टोमी ये क्या किया तूने? मैं छोर यहाँ चलना। इफ्रा चलो, चलो चलो आओ इफ्रा, जल्दी आओ इफ्रा, कम ऑन यार चलो इफ्रा, इफ्रा उठ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इफ्रा सब फंस जाएंगे, जल्दी चल। जिम्मी मुझे नहीं उठना जा रहा, चल जिम्मी यार चल। इफ्रा हिम्मत कर, उठना। मुझे नहीं उठना जा रहा जिम्मी, मुझे मार दे, निकल तो फिर बाहर में जा। इसका मतलब है आपके घर में मौजूद लड़की डकैतों की साथी थी।
आपको किसी पर शक? मेरा मतलब है आपके साहब का शौहर ने तो कहीं ये सब कुछ नहीं करवाया? नहीं इंस्पेक्टर साहब। अकबर, लेडी कांस्टेबल बुलवाओ और उस लड़की को गिरफ्तार करो। वो डकैतों की साथी है, और हाँ इसके साथियों को भी ट्रेस करो। ओके। कैसी कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो गजल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक्चुअली मैं तुमको समझ ही नहीं पाया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है फहीम। कोई भी मर्द औरत को आज तक समझ नहीं सका। अब कुछ भी नहीं हो सकता फहीम। उदास होने या अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेने से गुजरा हुआ वक्त लौट के वापस नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ गजल कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, मगर हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। इंसान का सबसे मुखलिस दोस्त उसका अपना आप होता है, और मैंने खुद से दोस्ती कर ली है, इसलिए मुझे अब किसी और दोस्त की जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलो गजल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपने दर्दनाक माजी को खुशगवार बनाना। जब तक जिंदगी रहेगी आपसे वाकफियत रहेगी। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चाहिए आपका मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। आपको आगे फैसला करना होगा, आपको वो लड़की ज्यादा अजीज है या फिर आपकी बीवी। ठीक है तो कर लिया मैंने फैसला, मैं तुम्हें अजाब करता हूँ। और जो मेरे सामने जबान चलाई तो लीजिए अल्फाजी महफिलों में रखा करो, मेरे सामने नहीं। अंडरस्टैंड? किस कहानी का किरदार हूँ मैं, जीत पाऊँ ना वो हारूँ मैं, दुआ की किरचियाँ चुन रहा। बता मेरी खता दर से दर बदर यूं हो गए कदम, एक जरा सी जिंदगी में इस कदर सितम। ओ खुदाया।